जय हिंद दोस्तों। इक्वल एमएसपी पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एक केस लड़ रही है, जिसमें कि जेसीओआर ऑफिसर के लिए जो एमएसपी होनी है वो 15,500 पर केस किया गया है। 15,500 एमएसपी होनी चाहिए जेसीओ हो, चाहे ओआर हो या ऑफिसर हो। कई सोशल मीडिया में देखा गया है कि ये कहा जा रहा है कि केस हार चुके हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, केस हार गए हैं। तो इसकी हकीकत जानेंगे। पहले तो मैंने जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसकी जानकारी ली, तो जेसीओ आर इक्वल एमएसपी 15,500 पर दुष्प्रचार में अफसर के साथ साथ जवान भी शामिल है। इसमें जवान भी दुष्प्रचार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि जवान अपने ही साथियों से कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके कह रहे हैं कि हम इस पर केस कर रहे हैं और हम केस लड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले बता देते हैं, जंतर मंतर पर बहुरूपिये और साते ठग एक सोची समझी साजिश के तहत वीडियो बनाकर पोस्ट के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एक समान मिलिट्री सर्विस पे केस हार गई है। ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है जबकि केस बहस में है, बहस में है और अगली सुनवाई 4 मई 2023 को है। 4 मई 2023 को यह भी कहा जा रहा है कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी नहीं, वकीलों की संस्था लड़ रही है केस। तो बता दें, जो कि सफेद झूठ है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अलावा दो वायुसेना के कर्मी ने भी व्यक्तिगत रिट डाली हुई है और साथ में अटैच की है, यानी कि जो दो वायुसेना के एयरफोर्स के हैं उनकी रिट भी साथ में डाली गई है। सच्चाई ये है कि एयरफोर्स के एक वकील हैं जो कि अधिकारी हैं के कहने पर यह दुष्प्रचार कर रहा है, किया जा रहा है। इससे पहले बैरूपियों का साथी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस हार चुका है एमएसपी का, जिसको मुश्किल से संभाला गया है और पूर्व सैनिक समझ रहे हैं कि यह फौजी हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन बता दें कि ये सभी बेवकूफ बना रहा है। आरोपी के कारण पूर्व सैनिकों में उपजी गुस्सा को लेकर पैसे इनकेस कर रहा है, यानी कि उनसे पैसे ऐंठ रहा है कि हम इसका केस कर रहे हैं और लड़ने वाले हैं, और अपना यूट्यूब चैनल चलाने के माध्यम से कमा रहा है। ये सबकी भावनाओं से पैसों के साथ खेल रहा है। ये सनसनीखेज आरोप लगाया है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने, जिनका कहना है कि हम केस अभी लड़ रहे हैं और पूरी संभावना है कि हम ये केस जीतेंगे। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी केस जीतेगी। अभी कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल केस करना पड़ेगा, इंडिविजुअल केस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी सभी पूर्व सैनिकों के लिए इसमें केस लड़ रही है, यानी कि अगर एमएसपी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी केस जीतती है तो सभी की एमएसपी बढ़ेगी। इसके बाद मैंने एक जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका भी देखा कि उसमें क्या इसकी स्टेटस है। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है इसकी जानकारी ली, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जेसीओआर के द्वारा लड़ा जा रहा है, इसकी जो लिस्टिंग फर्दर हुई है 4 मई 2023 को हुई है, यानी कि इसकी अगली सुनवाई 4 मई 2023 को है। तो कहीं अभी कोई केस हारा नहीं है और पूरी संभावना है कि इसमें हम केस जीतेंगे, हमारी एमएसपी समान होगी। तो आप किसी भी फेक न्यूज में या ऐसे किसी दलाल के हाथ ना पड़े जो आपसे पैसे ऐंठे कि हम आपका केस लड़ेंगे। ऐसे ये केस सभी के लिए है और सभी अगर एक ये केस जीतेंगे तो वो सभी की एमएसपी बराबर होगी, बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि किसी को डाउट ना रहे कि एमएसपी केस हम हार गए, हम जीतने वाले हैं और केस की अभी हियरिंग होनी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।